नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जीएसटी से मालामाल हुई बीजेपी सरकार की। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की सूचना से मची हड़कंप की। प्रियंका गांधी के लपेटे में आए पीएम मोदी की। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आई बड़ी गिरावट की। बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको आएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए किया 5 न्याय का वादा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत मजदूरों की वकालत करने से की थी। इमारतों में दफन कर देंगे। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों को भेजी गई धमकी। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस की टीमों ने संभाला मोर्चा। स्कूल को खाली करवाया गया, परीक्षाएं भी की गई रद्द। लोकसभा चुनाव के बीच महंगाई से मिली राहत। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए की कटौती की है, जिसके बाद दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,745.50 रुपए हो गई है। कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका के खुलासे के बाद घबराए लोगों से बोले विशेषज्ञ। कहा कि कोरोना टीके से रिस्क 10 लाख में महज एक को, इसलिए घबराए नहीं। साइड इफेक्ट तो 6 महीने में ही दिख जाते हैं, अब तो 2 साल हो चुके हैं। देश में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के बीच भरा मोदी सरकार का खजाना। पहली बार अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन पहुंचा 2.10 लाख करोड़ रुपए। चुनाव आयोग ने लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा किया जारी। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.31% हुआ मतदान। वहीं विपक्ष का सवाल कि इतनी देर क्यों हुई। बता दें कि आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाता है। अनुपमा टीवी सीरियल की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भाजपा में हुई शामिल। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने उन्हें दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में दिलाई सदस्यता। वहीं रूपाली बोली कि विकास के महायज्ञ में शामिल हो रही हूं। कर्नाटक में भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विपरीत किया काम। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि ये कोई मामूली घटना नहीं। 2,500 लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, वोट के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने मुसलमानों को ओबीसी कोटा से 4% आरक्षण दिया है, लेकिन हमारे पास धार्मिक आधार पर आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर को याद करके कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो शिवसेना नेता संजय रावत ने बीजेपी पर उठाई उंगली। कहा कि चुनावी माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है, प्राण प्रतिष्ठा से क्यों रखा गया दूर। कोविशील्ड वैक्सीन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। कहा कि साइड इफेक्ट की जांच एक्सपर्ट पैनल करें। एस्ट्राजेनेका ने माना था खून के थक्के जमते हैं। मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खां पर हुई FIR। फारुखाबाद में कहा था कि वोट जिहाद जरूरी, मुसलमान एक नहीं हुए तो नामो निशान मिट जाएगा। एडमिरल आर हरि कुमार की जगह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने नेवी के 26वें चीफ। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को मिली नेवी के वाइस चीफ की जिम्मेदारी। हवा में दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है स्मार्ट 03 मिसाइल। टेस्टिंग में टारगेट को किया ध्वस्त। हाईफाई तकनीक से लैस है यह मिसाइल। 127 साल पुराना गोदरेज ग्रुप का हुआ बंटवारा। आदि नादिर गोदरेज को इंडस्ट्रीज के लिस्टेड और चचेरे भाई जमशेद को नॉन लिस्टेड कंपनियां मिलेंगी। बिहार झारखंड गुजरात और उड़ीसा में अगले 2 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल तेलंगाना महाराष्ट्र में 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मई में राजस्थान मध्य प्रदेश में लू से मिलेगी राहत। आज पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि हमारा हाथ नहीं। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही कहा कि ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आज के इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। आप खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बीच मोदी के लिए मुसीबत बनती जा रही प्रियंका गांधी की। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका
प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार के दौरान मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दे रही है। वह जहां भी जा रही है बीजेपी की पोल खोल रही है। इस कड़ी में बुधवार को उन्होंने असम के धुबरी में एक रैली को संबोधित किया, जहां अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी व राज्य की विश्वास सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तो ऐसे में क्या है प्रियंका गांधी का वह दबंग भाषण जिससे मोदी सरकार हिल गई है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार में बड़ी भूमिका निभा रही प्रियंका गांधी इन दिनों देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है। इस बीच बीते दिन उन्होंने असम के धुबरी में एक रैली को संबोधित किया, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी में कदम रखा उनके सारे आरोप धुल गए। प्रियंका ने कहा कि भाजपा के पास एक ऐसी वोटिंग मशीन है जिसमें किसी भी भ्रष्ट नेता को डालकर साफ किया जा सकता है, जिसके सबसे बड़े उदाहरण मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा है। वहीं प्रियंका गांधी ने हेमंत बिस्वा सरमा के शासन पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि आप असम के मुख्यमंत्री की तुलना कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से कीजिए। जब आप तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे कि क्या हो रहा है, वे बताएंगे कि हम कांग्रेस की गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। वहीं प्रियंका ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश में पिछले 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि सरकार में बैठे मुख्यमंत्री मंत्री नेताओं का सारा ध्यान अपने स्वार्थ पर है। जनता कैसे कमाएगी कैसे खाएगी उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। देश में 30 लाख सरकारी खाली पद हैं, लेकिन बीजेपी की अहंकारी सरकार उन्हें भरना ही नहीं चाहती है। अहंकारी सरकार ने तो अपना झोला भर लिया है, वो भी जीएसटी की सहायता से, जिसका विरोध विपक्ष की कांग्रेस पार्टी करती आई है। सरकार ने अप्रैल 2024 में 12.4% की शानदार ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। ऐसे में जानते हैं आखिर क्या है सरकार की छप्पर फाड़ कमाई का राज, हमारे इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीच जीएसटी ने मोदी सरकार का झोला भर दिया है। वहीं विपक्ष के लिए यह बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से विपक्ष इसका विरोध करता है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन ने इस बार छप्पर फाड़ राजस्व हासिल किया है। पहली बार किसी महीने में जीएसटी राजस्व 2 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो कि एक ऐतिहासिक कलेक्शन है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार गया था। उसके बाद यह रिकॉर्ड किसी महीने में फिर नहीं टूटा, लेकिन नए वित्त वर्ष 2024-25 के पहले ही महीने में देश ने जीएसटी कलेक्शन के मामले में इतिहास रच दिया है, जो कि पहली बार कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ग्रॉस रेवेन्यू ने साल दर साल पर 12.4% की शानदार ग्रोथ हासिल की है। रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू को देखें तो ये 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि सीधे सीधे सालाना आधार पर 17.1% की बढ़ोतरी है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से सरकार को बेहद खुशी हुई है और वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आंकड़े को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर भी की है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन में ये बढ़ोतरी घरेलू ट्रांजेक्शन में 13.4% की शानदार ग्रोथ के बाद देखी गई है और इम्पोर्ट में 8.3% की बढ़त का भी इसमें साथ रहा है। बढ़त तो कोरोना बनाता जा रहा है, जिसका मामला समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट होने की बात कही है, जिसको लेकर अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक्सपर्ट पैनल बनाकर इस वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स की जांच की जाए। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का राज खुलने के बाद अब भारत में भी इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार अदालत में स्वीकार करते हुए कहा कि इस वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके बाद हर एक भारतीय की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत में लगभग इस वैक्सीन के 175 करोड़ डोज लगे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है, इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। हालांकि विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड से रिस्क 10 लाख में से महज एक व्यक्ति को ही हो सकता है और किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में जानलेवा रिस्क होने का चांस बहुत कम है। क्या भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।